सोलन में पुलिस जब्त ले चुकी है कि सोलन से नशे के काले सौदागरों को 10 लाखों के पीछे पहुंचाकर रहेगी। यही वजह है कि आए दिन वह नशे का काला कारोबार करने वालों पर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं और एक सप्ताह के भीतर करीबन चिट्टे अफीम और चरस के साथ तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अफीम के डोडों की तस्करी करता था। सोलन पुलिस शपथ ले चुकी है कि सोलन में नशे के काले सौदागरों को वह सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेगी और यही वजह है कि आए दिन वह नशे का काला कारोबार करने वालों पर अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। एक सप्ताह के भीतर ही करीब चिट्टे अफीम और चर्स के 7 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पुलिस ने आज भी एक ऐसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि अफीम के डोडों की तस्करी करता था। एएसपी शिव कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार नशा तस्करों पर नजर रखे हुए है और जागरूक लोगों के सहयोग की वजह से वह नशा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति योगेश जो कि शगला ओखला घाट में अपने घर से नशे का काला कारोबार करता है, तो पुलिस ने सूचना के आधार पर गांव में उसके घर पर रेड की और वहां पर एक बोरी से करीब 9 किलो 700 ग्राम डोडे बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने योगेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोलन पुलिस ने नशे के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा हुआ है उसको जारी रखा है और पिछले 4 महीनों में सोलन पुलिस ने कुल मादक पदार्थ द्रव्य अधिनियम के अंतर्गत 31 केस दर्ज किए हैं जिनमें कि 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 41 व्यक्तियों में से 36 व्यक्ति भारतीय हैं, 4 नेपाली मूल के और 1 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने ये जो नशे के विरुद्ध अभियान है इसको जारी रखा हुआ है और इसको भविष्य में भी जारी रखेंगे। सोलन की प्रबुद्ध जनता ने हमारा इसमें बहुत साथ दिया है, हमें बहुत सारी सूचनाएँ मिल रही हैं और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें इसी तरह सूचना और सहयोग मिलता रहेगा। थाना सदर में एक व्यक्ति से 9 किलो 740 ग्राम जो अफीम के डोडे हैं वो बरामद किए गए हैं और उस संदर्भ में एक केस दर्ज किया जा चुका है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर से हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।